उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में बने एक पाइप कारोबारी के गोदाम से एक नामी कंपनी का नकली पाइप पुलिस ने बरामद किया है। सूचना पर कंपनी की टीम के साथ पुलिस ने सिविल लाइन के हरतला स्थित गोदाम में छापा मारकर पाइप की खेप पर नामी कंपनी के नाम से मिलती जुलती मोहर लगाकर एक ट्रक प्लास्टिक पाइप बरामद कर ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कंपनी अधिकारी के अनुसार उनकी नामी कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम की मोहर लगाकर ये पाइप की सप्लाई की जा रही है। पुलिस को लिखित शिकायत कर दी गई है। उधर पुलिस अधिकारी भी इस गंभीर मामले की जांच में जुट गए हैं कि नामी कंपनी के नाम पर जो पाइप की सप्लाई की जा रही है उसकी जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के मुख्य एरिया मैनेजर रंजीत के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम से उनकी कंपनी की गुणवत्ता और साख पर बट्टा लगाने की नीयत से मुरादाबाद में नकली प्लास्टिक पाइप की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद कंपनी ने अपने मुरादाबाद एरिया मैनेजर सुशील शर्मा को सूचना दी तो सुशील को जानकारी मिली कि एक डीलर के यहाँ एक ट्रक में उनकी कंपनी के मिलते जुलते नाम से पाइप आया है। पुलिस में शिकायत के बाद जब डीलर के गोदाम पर पुलिस ने कंपनी टीम के साथ छापा मारा तो भारी मात्रा में उनकी कंपनी के मिलते जुलते नाम से एक ट्रक नकली पाइप बरामद कर लिया और ये नकली पाइप कहाँ से और कौन सी कंपनी ने भेजा है इसकी पूछताछ करने के लिए ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। सिविल लाइन एएसपी आदित्य ने बताया कि यह दिल्ली की एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसकी सप्लाई दिल्ली से होती है। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सूचना मिली कि मुरादाबाद में एक डीलर के यहाँ उनकी कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम से प्लास्टिक पाइप उतर रहा है। सूचना पर कंपनी प्रतिनिधि के साथ पुलिस ने डीलर के यहाँ छापा मार कर एक ट्रक प्लास्टिक पाइप बरामद कर लिया है और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कंपनी द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमें काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी मुरादाबाद में हमारे नाम से कोई नकली पाइप बेचा है, जिसकी सूचना तत्काल एरिया मैनेजर सुशील शर्मा जी को दी गई कि आप वहां पर विजिट करके पता करिए कि अपोलो पाइप का नकली पाइप कौन बेच रहा है। तो उसी दौरान सुशील जी को कहीं से सूचना मिली कि हसन हार्डवेयर स्टोर जो अर्थला रोड पर स्थित है उस पर एक ट्रक आया हुआ है जो अपोलो प्लस के नाम से उस पर पाइप लोड है। सुशील शर्मा जी वहाँ गए और उस दौरान ट्रक में जो भी पाइप था उसको देखे, वहाँ उसमें अपोलो प्लस के नाम से ही पूरा पाइप था और इसकी सूचना तत्काल सिविल लाइन थाने को दी गई। वहाँ पे एसएचओ महोदय जाके उस ट्रक को अपने कब्जे में किया और हम लोगों ने तहरीर दी है उनको कि इसके खिलाफ़ FIR करी जाएगी। हमारे अपोलो ब्रांड को अपोलो प्लस के नाम से जो पाइप बेच रहे हैं उससे काफ़ी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि हमारा एक ब्रांडेड पाइप है जो एक प्रतिष्ठित कंपनी है अपोलो, और हमारे क्योंकि इससे हमारी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अगर कोई नकली पाइप बनाता है उसकी शिकायत अगर कस्टमर करेंगे तो सीधे सीधे अपोलो पाइप से भी जाएगी। सर थाने में सर हमने तहरीर दे दी है SHO महोदय को, वो अपने स्तर पर जाँच कर रहे हैं, कह रहे हैं जाँच के बाद हम FIR लॉन्च करेंगे। इस मामले में अभी तक जो सामने चीज़ आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि अपोलो एक APL अपोलो नाम की जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इनका कॉपीराइट है, तो इनके जो सप्लाई आती है वो दिल्ली की तरफ से आती है और इनके जो HR है वो भी दिल्ली में बैठते हैं, तो इनके थ्रू इनकी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू एक डीलर को इनका सामान इनका माल जा रहा था एक ट्रक के थ्रू। वो ट्रक का माल जहाँ पर उतर रहा था वहाँ पर कुछ सूचना हमें भी मिली, उस दौरान हम लोग भी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ये पता चला कि APL अपोलो जो कंपनी थी इसका माल नहीं उतर रहा था बल्कि और किसी कंपनी का जो अपोलो प्लस नाम की जो कंपनी है उसका माल वहाँ उतर रहा था। तो जैसे ही जो APL अपोलो नाम की जो कंपनी है इनको जब ये चीज़ का पता चला तो इन्होंने हमारे यहाँ पर कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट के आधार पर हम लोग इस मामले की जाँच करेंगे, उसके बाद में जो जाँच के बाद में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। सर तकरीबन कितने माल पाया गया है इसमें? एक ट्रक की बता रहे हैं, वेट हमने अभी करना है लेकिन एक ट्रक का माल बताया गया। किसी की कोई गिरफ्तारी भी? इसमें ट्रक ड्राइवर जो हैं उनको पूछताछ के लिए अभी रखा हुआ, उनसे पूछताछ करेंगे उसके बाद में कार्रवाई। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।